मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी? निकालिए और बताइए। सर चैट डिसेबल है। चैट डिसेबल। अच्छा रुकियो, ठीक। अब तो समझ में आ गया हो ना कैसे करना है इसको? आंसर 8 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ठीक है, एट 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 एट। ठीक है, ये 2 से जाएगा तो 1 2 3 6 ले लेगा, और ये ऊपर जाएगा 2 से ले लेगा। सबको समझ में आ ही रहा होगा अब क्या करना है। बी बराबर क्या होगा? 2 × 3 + 1 × 2। इसको चलाया x1, इसको चलाया x2, तो ये चलेगा x3। ये टाइट कर रहा है, ये टाइट कर रहा है, ये ढीला कर रहा है। 3x1 + 2x2 = x। उस वाले मोशन से निकाल दिया। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालिए, ये भी 10 kg का, ये भी 10 kg का। तो ये ए से जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? टेंशन इनटू एक्सेलरेशन कांस्टेंट। उस लॉजिक से देखो, दो ही ब्लॉक हैं। हाँ, इधर 2t है टेंशन तो एक्सेलरेशन ए है, यहाँ टेंशन t होगा तो एक्सेलरेशन 2a होगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन, अब इसको नॉर्मल अपने मेथड से जैसे कर रहे थे वैसे कर डालो। कंस्ट्रेंट एक टूल है जिसको यूज कर लिया बस। तो ये नहीं प्योरली कंस्ट्रेंट इक्वेशन पे ही हमेशा प्रॉब्लम बनने वाली, प्रॉब्लम के साथ साथ तो अपनी नॉर्मल प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट को यूज कर लेगा। ठीक है मौलिक, A = g/5।
इसका एक्सलेशन 2g होगा, ठीक है। टू ए क्यों लिया, देखो ना, अगर इसका एक्सलेशन a होगा तो इसका एक्सलेशन 2a होगा, क्यों होगा? ti.ai is equal to 0, ti.ai is equal to 0, इसका टेंशन 2t, एक्सलेशन नीचे, इसका टेंशन t, एक्सलेशन इस तरफ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो अगर ये चलेगा x तो इसको चलना पड़ेगा 2x, दोनों तरीकों से सोच सकते हो। यूं याद रखो, अगर दो ब्लॉक हैं तो टेंशन इनटू एक्सलेशन की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, टेंशन ज्यादा तो एक्सलेशन कम, टेंशन कम तो एक्सलेशन ज्यादा, इस तरीके से बात करेगा, ठीक है। कई तरीके से लॉजिक, अभी तक हम एक कंस्ट्रेंट ही तो लगा रहे थे, तो इसका एक्सलेशन अगर ए आएगा तो इसका एक्सलेशन टू आएगा, ड्यू टू कंस्ट्रेंट, अभी तक हम यही पढ़ रहे थे ना पहले, फुली वुली वाली प्रॉब्लम। चलिए बढ़िया बात है, अब आ जाते हैं एक और बढ़िया से फोर्स की तरफ, दैट इज सुडो फोर्स, क्या है, कैसे है, समझते हैं। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है भाई? ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड टू द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो अपने पास ओरिजिन रख लेगा, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेगा और अटैच टू द ऑब्जर्वर फ्रॉम वेयर ऑल वेरिएबल्स आर कंसीडर्ड, एक्सेलरेशन, टेंशन, जिसकी कुछ चीजें बदलेंगे, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा क्या? आपकी वेलोसिटी, आपकी एक्सेलरेशन, क्योंकि हमको रिलेटिव देखने को मिलेगा, तो हम रेफरेंस फ्रेम के गेम के ऊपर चलने वाले हैं। तो दो तरीके के रेफरेंस फ्रेम होते हैं, एक होता है इनर्शियल, जिसका एक्सेलरेशन हो जीरो, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट या जीरो, दोनों पॉसिबल है, ठीक है, या तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट या रेस्ट पे है तो भी बात नहीं, ग्राउंड ले लेते हैं, जनरली हम क्या ले लेते हैं, जनरल रेफरेंस फ्रेम, ग्राउंड, अभी तक हम यहीं से देखते आ रहे हैं, यहीं से कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम भी देख सकते हैं, क्या सिग्नल, मतलब वो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं सर, क्लियर है। हाँ क्लियर है, क्लियर है, हाँ, किसी किसी थोड़ी दिक्कत होगी, क्लियर है सर, हाँ क्लियर है, कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत है तो ध्यान दो बस, ठीक है ना, कोई बात नहीं। बस वाई नेट प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, चेक आउट कर लो, कुछ नहीं है। सुडो फोर्स बताना है, अभी कुछ बताया ही नहीं, चीजों को जहां से ऑब्जर्व किया जाएगा उसको रेफरेंस फ्रेम माना जाएगा। रेफरेंस फ्रेम क्या मतलब है? जिधर मान रहे हो एक्स वाई जेड, कहां से कौन मान रहा है। अब तुम देखो जमीन पे खड़े हुए हो तो चीजों को देखोगे तो अलग नजरिए से देखोगे, कार में बैठे हुए हो तो चीजों को अलग नजरिए से देखोगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अभी तक ये अंडरस्टूड था, जो फोर्स वगैरह हम लगा रहे थे वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगा रहे थे,
लेकिन अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम कभी कभी ग्राउंड पे ना देखें। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको कहाँ से चीजों को ऑब्जर्व करना पड़े, मान लीजिए एक छोटी सी फ्लाई उड़ती है, छोटी सी चिड़िया, कोई भी चिड़िया है, एक ट्रक वाला चला जा रहा है, बहुत स्पीड में नहीं है, स्लोली ही जा रहा है, ट्रक वाला चला जा रहा है स्ट्रेट, एक चिड़िया आती है, उस चिड़िया वो शीशे से जो उसकी विंड स्क्रीन है, पूरी बड़ी सी विंड स्क्रीन है, उस पर टकराती है, मरती वरती नहीं, बस चोट हल्की से लगती है और वो शीशे के सहारे नीचे की तरफ चलने लगती है। ट्रक आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेट इन नॉर्थ डार्क डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और चिड़िया आती है, टकराती है और शीशे के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। अब इस मोशन को दो बच्चे देखते हैं, एक बच्चा ग्राउंड पे खड़ा हुआ दूर से ये मोशन देख रहा है, चिड़िया की जो हालत है वो देख रहा है, और एक बच्चा ट्रक के अंदर बैठा हुआ है, वो इस चिड़िया को देख रहा है। अगर दोनों के नजरिए से देखा जाए तो दोनों के देखने का पर्सपेक्टिव अलग अलग है, दोनों के नजरिए से चीजों का जो मोशन है या चीजों की जो कंसिडरेशन है वो अलग अलग हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी समझते हैं, जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ बच्चा होगा उसके हिसाब से चिड़िया नीचे की तरफ भी जा रही होगी और कुछ आगे की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ भी जा रही होगी, तो उसके हिसाब से जो मोशन ऑफ बर्ड है वो मोशन ऑफ बर्ड इंक्लाइंड की तरफ है, ना कि प्योरली वर्टिकल है, ना ही प्योरली हॉरिजॉन्टल है, बल्कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में उसको हम इंक्लाइंड बोल सकते हैं। इन द अदर प्लेस हम दूसरे बच्चे के पास अगर जाए, दूसरा बच्चा कहाँ बैठा हुआ है, ट्रक के अंदर बैठा हुआ है, उसके हिसाब से चिड़िया टकराई, बच्चा टकराने के बाद उसके हिसाब से चिड़िया कहाँ जा रही है, उसके हिसाब से मोशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसके हिसाब से मोशन क्लियर है, ग्राउंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चे की मोशन, चिड़िया की जो मोशन है वो बच्चे को क्लियर नहीं होगी, जबकि जो ट्रक के अंदर बैठा हुआ बच्चा उसको मोशन क्लियर होगी, उसके हिसाब से मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा है वो क्या कहेगा कि थोड़ी तिरछी जा रही है, लेकिन किधर जा रही है एग्जैक्ट वो बता नहीं पाएगा। तो अब यहां से प्रॉब्लम ये हुई कि जब हमको मोशन क्लियर ना हो, किसी भी बॉडी की मोशन ही ना क्लियर हो, तो हम एक्स वाई कैसे माने, सॉल्व कैसे करें। अभी तक ये तो कर रहे थे जिधर बॉडी चले उधर तरफ नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन और उसके परपेंडिकुलर नेट फोर्स जीरो। तो इन्होंने कहा कि देखिए अगर आप किसी बॉडी को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखते हैं, हूज एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, velocity is not constant, from this reference frame body is moving with relative velocity या एक्सेलरेशन। बड़ी अच्छी बात है, तो यहीं से शूट ऑफ फोर्स का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। होता क्या है, देखिए आप किसी भी चीज को देखिए उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे थे वही फोर्सेस लगते रहेंगे, अगर स्ट्रिंग जुड़ी हुई तो टेंशन लगेगा, वेट लगेगा, नॉर्मल लगेगा, यही सब फोर्सेस एक्ट करते रहेंगे। आगे चल के अब अगले चैप्टर में हम आने वाले जल्दी फ्रिक्शन भी ऐड करेगा। तो होगा क्या, होगा कुछ यूं कि जब आप ग्राउंड से देख रहे हैं तब आप एक्सेलरेशन अलग देख रहे हैं, आप दूसरे ब्लॉक के ऊपर से देख रहे हैं तब आप एक्सेलरेशन अलग देख रहे हैं। रेफरेंस फ्रेम के बदलने पे बॉडी का एक्सेलरेशन बदल जाएगा, और नियम था एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अलग अलग रेफरेंस फ्रेम पे देखने पे आपको अलग अलग एक्सेलरेशन देख रहा होगा, लेकिन जो फोर्सेस लग रहे थे वो तो फोर्सेस उतने ही लग रहे हैं जितने लग रहे हैं, कहीं से भी देख लो फोर्स उतने लगने वाले हैं जो लग रहे थे, जो जुड़ी हुई है बॉडी, बस केवल ऑब्जर्वर बदल देने से फोर्स तो बदल नहीं जाएगा। तो एफ नेट बराबर एम ए इस रेफरेंस फ्रेम में एप्लीकेबल ही नहीं होगा, वो सिंपल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के लिए डिफाइंड है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इनर्शियल के लिए हम डिफाइन कर लेते हैं हम, लेकिन क्या नॉन इनर्शियल पे लगा सकते हैं, हाँ हम नॉन इनर्शियल पे लगा सकते हैं। क्या प्रॉब्लम आएगी, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्चुअली तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है,
लेकिन आप जब दूसरे रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू जो एक्सेलरेशन देखेंगे वो रियल एक्सेलरेशन ना देख करके रिलेटिव एक्सेलरेशन देखेंगे। तो एफ नेट बराबर रियल मास इनटू रियल एक्सेलरेशन था, लेकिन यहाँ पर एफ नेट बराबर मास इनटू अपेरेंट एक्सेलरेशन, यानी आपका जो अपीयरेंस आ रही है या आपकी रिलेटिव आ रही है। तो ये तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल करने के लिए एक छोटी सी चीज ऐड कर दी जाती है फोर्सेस के साथ, दैट इज सुडो फोर्स। मतलब आप अगर किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उस बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे और तब अपनी लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब मेरा काम है सिखाना। मुद्दा कुल मिलाकर के ये है कि आप अगर बॉडी किसी एक पर्टिकुलर बॉडी को दो अलग अलग जगहों से देखते हैं तो दो अलग अलग जगहों से देखने पर दो अलग अलग एक्सेलरेशन दिख सकते हैं। और तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दो अलग अलग फ्रेम से देखने पर नेट फोर्स तो सेम रहेगा लेकिन मास इनटू एक्सेलरेशन तो अलग अलग आ जाएगा। तो इस लूप होल को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए हमें किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखने पर एक एक्स्ट्रा फोर्स को ऐड करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा फोर्स को नाम दे दिया गया सुडो फोर्स। और ये करेगा क्या, ये करेगा कुछ नहीं, ये आपकी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशंस को अप्लाई कराएगा। ठीक है, कैसे आता है, क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, तीन लाइन याद रखनी होगी, मैं समझा दूंगा बाद में। कब लगाना है, कितना लगाना है और क्या निकलेगा, बस इतना ध्यान रखना। कब लगाना है, कितना लगाना है और क्या निकलेगा, सॉल्यूशन से क्या निकलेगा। तो सुडो फोर्स क्या है, जब आप किसी भी अपेरेंट वेट ये सब सब कुछ आएगा तो उसमें पहले सुडो फोर्स सीख लेते हैं और अच्छे से दिमाग लगा के समझिए कब अप्लाई होगा, यही दिक्कत आती है। एक बॉडी है, ये तो था इसके ऊपर आपने एक रेफरेंस फ्रेम ले लिया, रेफरेंस फ्रेम इसका एक्सेलरेशन ले लिया ए नॉट वेक्टर के फॉर्म में, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक with respect to non-inertial reference frame a dash is equal to a vector minus a naught vector। किसी को इसमें doubt नहीं होना चाहिए। relative velocity क्या होती है, velocity of body minus velocity of observer, relative acceleration of relative or acceleration of body minus acceleration of observer, reference frame, इसको याद रखना है। From this reference frame, apparent net force कितना होना चाहिए, F dash net is equal to MA dash F dash net net is equal to M A minus A naught, that is MA minus MA naught, जबकि हमें पता है F net
बराबर एम ए है, एस एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो एफ डैश नेट इज इक्वल टू एफ नेट माइनस एम ए नॉट। और एफ नेट डैश इज इक्वल टू एफ नेट प्लस सूडो फोर्स एफ पी, एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना पड़ा, सूडो फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ बॉडी इनटू acceleration of observer in opposite direction to direction of acceleration of observer। चलो समझते हैं, बहुत मुश्किल नहीं, आसान चीज कटवा दूंगा, धीरे धीरे दिमाग सेट बैठ जाएगा। मेन तो कब लगाना है और क्या निकलना है ये ध्यान रखना, कितना लगाना ये मुश्किल नहीं है। एक बॉडी थी, अभी तक अपना लॉ लगा रहे थे, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ग्राउंड से देख रहे थे, अपना आराम से देख दाख के समझ ले रहे थे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक बॉडी को देखा, एक बॉडी को देखने पे हमारे पास जितने भी उसके ऊपर नेट फोर्स फोर्स लग रहे थे, पुराना नियम था उसको लगे रहने दिया हमें, दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन इसको रेफरेंस फ्रेम से देखना शुरू किया जो कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। क्यों देखना शुरू किया, मजबूरी है, कई सारी प्रॉब्लम्स को आप जमीन से देख के सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब मैं जैसे चिड़िया की मोशन की बात कर रहा था, चिड़िया की मोशन अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ बच्चा देखेगा तो उसके हिसाब से मोशन क्लियर नहीं है, अप्लाई हर जगह से हो सकता है, ग्राउंड से हर चीज अप्लाई हो सकती है, लेकिन मोशन ही नहीं क्लियर है। जब मोशन ही नहीं क्लियर है तो सॉल्व करने में बड़ी मुश्किल आएगी, दिक्कत आएगी, आगे चल के बड़ी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनेगी, तो वहां समझ में ही नहीं आया कहां से देखें क्या देखें। तो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए या उसको आसानी से समझने के लिए हम अपने रेफरेंस फ्रेम को चेंज कर लेते हैं। जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा होता है तो मूव करने वाले ब्लॉक को विद रिस्पेक्ट टू द लोअर ब्लॉक देखने में ज्यादा फायदा होता है। तो हम क्या करते हैं, कुल मिलाकर के किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में, दूसरे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, पुली के रिस्पेक्ट में, तो कई दूसरी दूसरी चीजें हमें देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर हम खड़े होकर दूसरे ब्लॉक को देखेंगे। मेनली एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है तो ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखने में फायदा होता है। क्या फायदा होता है और क्या निकलेगा, तो मैंने नेट फोर्स लगाया, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन दे रखा है, तो हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाला विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, तो ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए नॉट। अब इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ए डैश है तो इसके हिसाब से नेट फोर्स कितना होना चाहिए, इसके हिसाब से नेट फोर्स होना चाहिए नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ डैश नेट इज इक्वल टू एम ए डैश, F dash net is equal to m a minus a not, m a कितना है, F net है, तो F dash net is equal to F net minus m a not। तो apparent force जो आ रहा है वो आ रहा है net force के साथ एक extra force को add कर दिया गया। In a non-inertial frame के respect में apparent जो force आ रहा है उसमें net force जो forces लग रहे थे वो तो लगते ही रहे, उसको तो लगे ही रहने दिया, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड किया गया, इस फोर्स को नाम दिया गया सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किसके बराबर है, बॉडी के मास और ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ऑब्जर्वर। मास तुम्हारा, एक्सेलरेशन मेरा, अगर मैं अपने आप को ऑब्जर्वर हमेशा मानता हूं, मुझे अच्छा लगता है और ऑब्जर्वर मानना भी चाहिए, इससे प्रॉब्लम आसान हो जाती है समझने के हिसाब से। तो जनरली आप एक ब्लॉक को देख रहे हैं तो खुद को ऑब्जर्वर मान लीजिए दूसरे ब्लॉक पे खड़ा होकर के। तो अब मान लो मुझे सूडो फोर्स लगाना है, तो सूडो फोर्स कैसे लगेंगे, सूडो फोर्स कैसे लगेंगे, सूडो फोर्स लगेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। किधर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द बॉडी तुम्हारा मास
मेरा एक्सेलरेशन और किधर, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो पहली बात तो शूडो लगेगा कितना, इसको दिमाग में सेटिंग में बैठा लीजिए, तुम्हारा मास मेरा एक्सेलरेशन, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मास और बॉडी ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट का मास और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द ऑब्जर्वर। अब मान लीजिए किधर है, चार एक ब्लॉक को देख रहे हैं, चार ऑब्जर्वर देख रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम वन, रेफरेंस फ्रेम टू, रेफरेंस फ्रेम थ्री, रेफरेंस फ्रेम फोर। मान लो इसका मास 10 है, रेफरेंस फ्रेम वन जा रहा है ऊपर की तरफ 5 meter per second square से, ये आगे की तरफ जा रहा है रेफरेंस फ्रेम टू 10 meter per second square से, ये रेफरेंस फ्रेम थ्री पीछे की तरफ जा रहा है मान लो 2 meter per second square से, और ये रेफरेंस फ्रेम फोर जो है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रहा है 4 meter per second square से। ध्यान देख लीजिए, अब सब के सब इस ब्लॉक को ही देख रहे हैं, इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स फोर्स लग रहा था वो तो लग ही रहा था, केवल डायरेक्शन ऑफ शूडो दिखाना है। ये किधर जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा मास मेरा एक्सेलरेशन, शूडो फोर्स को दिमाग में सेट बैठा लीजिए, बॉडी का मास ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द ऑब्जर्वर, पहले वाले ऑब्जर्वर का शूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे F1 बराबर 50 10, F2 10 × 10 ये 10 × 5 था, F3 F4 चार रेफरेंस फ्रेम थे, चारों के हिसाब से शूडो फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग अलग है, वैल्यू भी अलग अलग, और जो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स लग रहा था वो तो लगता ही रहेगा, जो लग रहे थे फोर्सेस वो तो लगे रहने दो, ठीक। तो पहली चीज, आप जब किसी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको बॉडी के ऊपर एक इमेजिनरी फोर्स लगाना पड़ेगा सच दैट कि आप लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकें। आप उस रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन और निकालेंगे भी रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो इसको भी एज ए पॉइंट वाइज अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ये समझ में आया कि नहीं सबको, बताओ भाई, ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया, बॉडी का मास और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन अपोजिट टू द ऑब्जर्वर। यहाँ चार ऑब्जर्वर लिए मैंने, पहला ऑब्जर्वर, दूसरा ऑब्जर्वर, तीसरा ऑब्जर्वर, चार बच्चे एक ब्लॉक को देख रहे हैं, ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स फोर्स लग रहा है वो तो लग ही रहा है, उसके अलावा अब शूडो फोर्स दिखाना है, तो जो जिधर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मास ऑफ द बॉडी एंड ठीक है मास ऑफ द बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ऑब्जर्वर।
किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी बॉडी को देखेंगे, इमेजिनरी फोर्स लगाना पड़ेगा, along with other forces. ठीक है, तो नेट फोर्स आपको केवल एक सूडो फोर्स लगाना, उसके बाद अपना नियम वही पुराना चला जाएगा जो एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए डैश एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, जो पुराना चल रहा था नियम, बस ये फोर्स एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा बाय दिस वी कैलकुलेट रिलेटिव एक्सेलरेशन a dash, absolute acceleration, ये निकालने के लिए relative के साथ observer का acceleration vector की तरह add हो, ये लिखने का मतलब direct नहीं add करना, vector की तरीके से तीन लाइनें याद रखनी है, कब लगना है, जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर स्लाइड कर रहा हूं, फिलहाल के लिए कॉमन बात तो ये है, तब ऊपर चलने वाली बॉडी को नीचे वाली बॉडी के रिस्पेक्ट में देख लेता है, कितना लगना है, जिस बॉडी को देख रहे हैं उसका मास और जो देख रहा है उसका एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर, कितना फोर्स लगना है, लगा दिया, क्या निकाल लेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, शूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स, ये कोई एक्चुअली फोर्स नहीं होता है, बट प्रॉब्लम को इजी करने के लिए सॉल्व करने के लिए हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का सहारा ले लेते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाती है आसान और सॉल्व करना हो जाता है इजी, इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं, इजीली हम निकाल भी लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम चाहे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल, लेकिन कई बार मोशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्लियर ही नहीं होगी, जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्लियर ही नहीं होगी मोशन तो उससे निकालना बड़ा मुश्किल है, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम अलग अलग डायरेक्शन में ना सॉल्व करके हम ये देखते हैं कि क्यों कौन सा ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर स्लाइड कर रहा है, सबसे पहले कब लगाना है, जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर स्लाइड कर रहा हो या मोशन क्लियर ना हो रही हो, तो इसका मतलब जहां से मोशन क्लियर हो वहां से देखने में फायदा है, अच्छी बात, नॉन इनर्शियल फ्रेम देखने से लगाना क्या पड़ेगा, एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स किसके बराबर है, सूडो फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, किधर लगाना है, अपोजिट टू द रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, कितना लगाना ये समझ में आ गया, क्या निकलेगा, एक्चुअली एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाएंगे आप, निकालेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन, तब फोर्स लगा दिया फिर अपना पुराना गेम खेलने लगे, क्या नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन फलाना ढिमकाना, This सॉल्व करते रहे, accumulative acceleration a dash निकाल दिया, लेकिन मोस्टली आपसे a dash के बारे में पूछ लेगा, कभी कभी आपसे resultant acceleration के बारे में पूछ लेगा, resultant acceleration निकालना है तो कुछ मत करो, observer का acceleration उसके साथ add कर दो, vector के तरीके से add करना, ध्यान रखना, ये नहीं कि 2+4=6, vector इसीलिए sign लगा रखा है, acceleration add vectorly acceleration of observer, बात समझ में आ गई, कब लगाना है, कितना लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, किधर देखना है, क्या होना है, वही सब समझना है, ध्यान दीजिए।
कब अप्लाई करना है, जब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक या ग्राउंड से मोशन क्लियर नहीं हो रही। एक और बात याद रखिएगा, इन वन सिंगल प्रॉब्लम हम अलग अलग रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं, मोस्टली जमीन के थ्रू देखते हैं, जो ब्लॉक चल रहा हो किसी दूसरे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में उसको देख लेते हैं दूसरे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। विद रिस्पेक्ट टू लिखना बहुत जरूरी है, तो शुरू में एक अच्छी प्रैक्टिस बनाइए, विद रिस्पेक्ट टू दिस इस तरीके से पुट करते हुए लिखते हुए चलिए। ध्यान क्या रखना है, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, रिलेटिव निकल जाने के बाद आपको कैलकुलेट करना है कौन सा एक्सेलरेशन, फलाना ढिमकाना एब्सोल्यूट वाला, जब जब मैं जो जो पूछूं उसके हिसाब। पहले प्रैक्टिस के तौर पे समझते हो चलते, कितना फोर्स, क्यों और क्या निकलेगा, कब लगाना है, जब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक स्लाइड कर रहा हो, चल रहा हो और चल रहा हो, पुली मास सिस्टम लगा रखा हो तब, दूसरा कितना लगाना है उसका मास, मेरा एक्सेलरेशन मैं ऑब्जर्वर हूं, तीसरी चीज क्या निकलेगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकलेगा, वो निकल जाने के बाद एब्सोल्यूट निकाला जा सकता है। तो एक अच्छा सा गेम आता है अपेरेंट वेट का, उसको समझते हैं। Apparent weight का एक आर्टिकल है, apparent weight का मतलब होता है नॉर्मल निकालो, नॉर्मल की वैल्यू वेट के बराबर भी हो सकती है, वेट से ज्यादा भी हो सकती है। ये वेइंग मशीन है, कल हम शूडो पे बहुत सारा काम करने वाले हैं, आज तो बस मैं हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन ये अपेरेंट वेट वगैरह बता के छोड़ूंगा, कल मेनली शूडो पे काम करेंगे। शूडो बहुत अच्छा है आर्टिकल, ध्यान रखिएगा, शूडो और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उतना मुश्किल नहीं है, फ्रिक्शन को यूज किया जाएगा बस, लेकिन प्रॉब्लम अच्छी बनेगी। तो और शूडो के ऊपर इस आर्टिकल का नाम है शूडो फोर्स रिलेटिव एक्सेलरेशन वाला, ठीक है, ध्यान दो। ये वेइंग मशीन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक एक आदमी खड़ा हुआ है। अब हम अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स के ऊपर आ गए हैं, ये सब पढ़ लिया, अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे भी, इस पे एक मैन खड़ा हुआ है, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, वेइंग मशीन की रीडिंग अपेरेंट वेट होगी, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू ही वेट की वैल्यू है, स्प्रिंग बैलेंस भी एक होती चीज। स्प्रिंग का फोर्स जो लगा वो डराने के लिए, अभी फिलहाल के लिए स्प्रिंग के फोर्स को टेंशन मान लीजिए, जब उसमें आएंगे केएक्स वाले में इलॉन्गेशन वगैरह में तब हम उसके बारे में बात करेंगे। टेंशन इज इलॉन्गेशन या केएक्स, टेंशन इज इक्वल टू केएक्स इज इक्वल टू वेट, टेंशन की रीडिंग वेट होती है, नॉर्मल इज इक्वल टू वेट। दो तरीके के वेट होते हैं निकालने के, एक तो वेइंग मशीन से नॉर्मल नापा जाता है और जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उससे उठाते हैं ना, वेट उठा के देखते हैं, कई बार सिलेंडर लेने वाले आते हैं तो हाथ में लिए रहते हैं तो उसको उठा के दिखाते हैं कितने किलोग्राम, वो स्प्रिंग बैलेंस होता है। तो ये क्या मेजर करता है, वेट मशीन नॉर्मल, ये क्या मेजर करता है, टेंशन, फिलहाल के लिए टेंशन, जिसको हम के एक्स नॉट भी बोलेंगे, बाद में भी देखते हैं। Apparent weight. ये ऊपर की तरफ जा रहा है A acceleration. ठीक है, With respect to ground देखते हैं। अब इस आदमी को दो जगहों से देखता हूं मैं, दो रेफरेंस फ्रेम है, एक है ग्राउंड देख सकते हैं ग्राउंड से, तो आदमी के ऊपर
एक नॉर्मल लग रहा है, एक वेट लग रहा है, और आदमी जमीन से देखने पे ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। इक्वेशन बन गई, एन माइनस एम जी बराबर एम ए। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आसान है। जमीन से देखा इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल ऊपर एक्ट कर रहा है, एम जी नीचे निकल रहा है और किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर देखा, यहां से एन की वैल्यू आ रही है एम जी प्लस ए, अपेरेंट वेट। अभी हम निकाल भी लेंगे पूरा। एलिवेटर, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में देखने का मतलब क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखना। तो जो फोर्सेस लग रहे थे वो लगे रहने दो भाई के ऊपर, नॉर्मल लग रहा था लगे रहने दो, एमजी लग रहा था लगे रहने दो। अब तुम एलिवेटर पे खड़े होके देख रहे हो, कितना शूट ऑफ फोर्स लगाओगे, किसका मास, मेरा एक्सेलरेशन मेरे अपोजिट। किसी को डाउट, ये शूट ऑफ फोर्स है और ये मेरे हिसाब से एट रेस्ट। एलिवेटर से देखने पे ये किस पे होगा, इक्विलिब्रियम में। देखिए समझ में आ रहा हो तो बताइए, कोई डाउट हो रहा हो तो एक्सप्लेन करो। हाँ बताता हूँ, एलिवेटर कुछ नहीं, देखो यही, अब इसीलिए मैं इसमें टाइम ले रहा हूँ पूरा, मैं कोई बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करूंगा, मैं आप पूरा टाइम दूंगा, आप घर पे बैठ के पढ़िएगा अच्छे से समझिएगा। शूट ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब लोग उसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लेते, कब लगाना है शूट ऑफ, कितना लगाना है शूट ऑफ और क्या निकालेगा, ये तीन पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिए। कब लगाना है, अगर आप नॉर्मली बॉडी को ग्राउंड से देख रहे हैं तब आपको शूट ऑफ फोर्स नहीं लगाना है, अगर ग्राउंड से देख के काम चल जा रहा है तब शूडो लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कई बार ग्राउंड से देख के काम नहीं चलेगा, हमको किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से बॉडी को ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा जिससे कि उसकी मोशन थोड़ी ठीक ठाक क्लियर क्लट दिखाई दे। कब दिखाई नहीं देगी तब उसको हम समझेंगे धीरे धीरे, वही प्रैक्टिस तो गेम है। और शूडो फोर्स लगाने के बाद क्या निकालूंगा मैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव मोशन के बारे में बात करूंगा। अब देखो जरा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा, इस आदमी का वीडियो बना रहा हूं, ऊपर नॉर्मल जो लग रहा था वो तो लग ही रहा है, वेट जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है, एन और एम जी लग रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से ग्राउंड के हिसाब से ऊपर जा रहा है एक सोल्यूशन से, नेट फोर्स एन माइनस एम जी बराबर एम है, ये लग गया। अब आए विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, मैं यहां खड़ा हो गया, मैं इसको देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो रेस्ट पे है, नॉर्मल लग ही रहा है, वेट लग ही रहा है, ये दोनों फोर्स तो लग रहे थे लग ही रहे हैं, एक्चुअली लग रहे थे, लगने रहने दे दीजिए इस पे, इनका जो फोर्सेस लग रहे हैं एक्ट कर रहे हैं वो उनका कोई भी वो नहीं होगा, इफ एंड बट की लगेंगे कि नहीं लगेंगे, वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे एज इट इज। अब मुझे एलिवेटर से देखने की कीमत चुकानी पड़ेगी, दैट इज शूट ऑफ फोर्स। अगर आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा के, दैट इक्वल्स टू शूडो फोर्स, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ऑब्जर्वर। मास एम, एक्सेलरेशन ए, किधर है एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ, तो मुझे शूडो किधर लगाना चाहिए, तुम्हारा मास मेरा एक्सेलरेशन इन अपोजिट टू मी, मैं जा रहा हूं ऊपर, मैं एलिवेटर हूं, मुझे आदमी से कोई लेना देना नहीं, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, तो एलिवेटर की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ तो शूडो लगेगा, अब इसी जगह एलिवेटर इधर जा रहा होता तो शूडो इधर लगाए थे। अब मेरे हिसाब से ये रेस्ट पे है, तो
तो इक्वेशन बन जाएगी n बराबर एम जी प्लस एम ए। बड़ा आसान है, n बराबर एम जी प्लस एन, n बराबर एम जी प्लस एन। तो अपेरेंट वेट की वैल्यू कितनी आ गई, क्या कह रहे हो यश? देखता हूं बताता हूं क्या कह रहा है। यश आंसर का लेना देना नहीं, क्या पूछा? नॉर्मल की वैल्यू सेम आएगी, सब कुछ सेम आएगा, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर अलग आएगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलग आएगा। बस ये समझाने के लिए बता रहा हूं, जो पूछा जाएगा वही। अब क्या पूछ रहा है वो तो उस पर डिपेंडेंट है ना। जनरली टेंशन पूछेगा तो टेंशन सेम आएगा किसी भी फ्रेम से। तुम्हें एक चीज बता दूं, छूटो फोर्स फालतू में कोई लगाता नहीं है, वो लगाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और कोई शौकिया छूटो फोर्स नहीं लगाएगा। ये तो आसान प्रॉब्लम थी जिसमें दोनों लग रहा था। ऐसी प्रॉब्लम दे तो जिसमें कुछ ना लगे तब। अभी मैं करवाता हूं, देखो ध्यान दीजिए। तो इसके लिए अपेरेंट वेट की वैल्यू हो गई एम जी प्लस ए, ये भी कॉमन सी चीज है, डब्लू वन प्लस ए बाय जी। अगर एलिवेटर ना जा रही हो कहीं, एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही हो तो मैं विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ही बना रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं बना रहा, विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर बना रहा हूं। नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे, सूडो ऊपर, एट रेस्ट। विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ही रेस्ट पे रहेगा। तो एन प्लस एम ए बराबर एम जी, एन बराबर एम जी माइनस एम ए। या अपेरेंट वेट इज इक्वल टू डब्लू वन माइनस ए बाई जी। इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे गड़बड़ी लिख देते हैं, क्या ऊपर जा रहा है रिटार्ड कर रहा है, नीचे जा रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जा किधर रहा है उससे लेना देना नहीं है, एक्सेलरेशन से लेना देना है। Moving up with decreasing speed, where the acceleration is? Moving up with decreasing speed, किधर है direction of acceleration? Down. हाँ, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ऊपर जाना लेना देना नहीं है, acceleration से लेना देना है, ठीक है? अगर elevator moving upward with decreasing speed, moving up with decreasing speed, A downward, moving up with increasing speed, A upward, moving down with increasing speed, A downward. Excuse, sir. हाँ सर, पेज थोड़ा लेफ्ट में कर लो सर, दिखने कुछ नहीं, बस समझने वाला गेम है ये। स्पीड ए अपवर्ड, ऊपर जा रहे हैं डिक्रीजिंग स्पीड तो ए नीचे होगा, ऊपर जा रहे हैं इंक्रीजिंग स्पीड ए ऊपर होगा, मूविंग नीचे इंक्रीजिंग स्पीड ए डाउनवर्ड, ठीक है? तो अपेरेंट वेट याद रखिएगा, ऊपर नीचे गेम याद रखिएगा। अब देखो, तुम लोगों के सारे डाउट को दूर कर देता हूं मैं, एक क्वेश्चन सब कुछ क्लियर। इसीलिए बस आज ये वाला क्वेश्चन लेके दिमाग में छोड़ दूंगा, दिमाग में रखने के लिए कैसे करना है। अब जरा बताना मुझे, ये एग्जांपल अपने आप में बहुत अच्छा है, इससे सूडो फोर्स क्लियर हो जाता है, समझ में आता है। ये प्रॉब्लम है जो समझाने के लिए,
जनरल ब्लॉक ले लेते हैं, जनरल एक्सेलरेशन ले लेते हैं, ये एलिवेटर है, ये एक ब्लॉक। अच्छा मुझे अब बताना सभी लोग क्या होगा भाई इस ब्लॉक के साथ, किधर जाएगा? ग्राउंड से देखने पे इसकी मोशन किधर दिखाई देगी? अभी तक हम ग्राउंड वर्ड यूज नहीं कर रहे थे, अभी तक केवल हम देख ही रहे थे, तो हम अंडरस्टूड था, वो छुपा हुआ था अपने आप ही कि वो ग्राउंड से देखा जा रहा है। अब ग्राउंड से देखने पे इस ब्लॉक की मोशन किधर होगी? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड किधर? डाउन द इंक्लाइन। जमीन से देखने पे हमें दो मोशन दिखाई देंगी, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में जा रहा होगा, क्यों भाई? है कि नहीं? यस सर। ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी सरक रहा है, किधर जा रहा होगा? कहीं ऐसे तिरछा सा मोशन। क्लियर है किधर जा रहा है? नहीं क्लियर है। एग्जैक्टली हम लोगों ने नियम बनाया, जिधर बॉडी चले उस तरफ का नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, जानबूझ के ये नियम बनाया है ना, इसीलिए सूडो फोर्स समझाना आसान हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि अब मुझे मालूम है मोशन क्लियर नहीं है। मोशन क्लियर नहीं है, तुरंत दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए क्या? इसकी देखने की जगह बदलो, कहां से देखो इसको? इसको देखो यहां से, इसको विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर देख लो। विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर देखने में फायदा क्या है? अब विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर देखने पे किधर जा रहा होगा ये? विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर क्लियर कर, डाउन द इंक्लाइन जा रहा होगा। मोशन क्लियर, डाउन द इंक्लाइन जा रहा है, क्लियर है ये? तो इसका मतलब हमको इस वाले रेफरेंस फ्रेम से देखने में फायदा क्या मिल रहा है? हमको इस वाले रेफरेंस फ्रेम से देखने में फायदा ये मिल रहा है कि मोशन क्लियर हो जा रही है, इसलिए लगाना पड़ेगा शूडो। कब? जब मोशन क्लियर रखनी हो, पहली चीज। दूसरी, कितना फलाना ढिमकाना, कितना जो फोर्स लग रहे थे वो लगे रहने दो। एन लग रहा था, एम जी लग रहा था, अब इन दोनों को छोड़ करके एक शूडो और लगा देना है। विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर किधर लगेगा शूडो भाई? नीचे। नीचे एमजी वर्ड है, उसके अपोजिट एम ए। ये किधर चल रहा है उससे लेना देना नहीं है। शूडो की डायरेक्शन मेरी डायरेक्शन, और मैं कौन हूं? अब मैं हूं आज के बाद से ऑब्जर्वर। ब्लॉक को देखूंगा मैं जहां होऊंगा वही होऊंगा ऑब्जर्वर। तो मेरा तुम्हारा मास, मेरा एक्सेलरेशन मेरे अपोजिट, तुमसे कोई लेना देना, बस तुम्हारा मास मास चाहिए। तो शूडो लग गया। अब मेरे हिसाब से ब्लॉक किधर जा रहा होगा? मेरे हिसाब से ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है ए डैश एक्सेलरेशन से, क्यों भाई? तो रिजॉल्व कर लो एम जी को। एम जी प्लस ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए डैश, और एन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए कॉस थीटा। ए डैश इज इक्वल टू जी प्लस ए साइन थीटा। ये आ गया रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्या निकलता है हमेशा, क्या निकाल पाओगे? रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल पाओगे, एब्सोल्यूट नहीं निकाल पाओगे। बात समझ में आई? ऑल द टाइम आप क्या निकाल सकते हैं? रिलेटिव एक्सेलरेशन, एब्सोल्यूट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट निकालना है तब, अब एब्सोल्यूट निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली निकालना पड़ेगा, किधर क्या कैसे कुधर।
तो a plus g sin theta है, तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके पास एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन इधर की तरफ a है और इधर की तरफ, इसके ऊपर और कल डिटेल में बात करेंगे, g plus a sin theta है। अब बताइए किधर होगा एक्सेलेरेटिव एक्सेलेरेशन, अब इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, ए साइन थीटा कट जाएगा, जी साइन थीटा प्लस ए कॉस, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो एक्सेलरेशन। अभी हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम इसके बारे में इसको बाद में ऐड करके निकालेंगे, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते। पहला काम तो ये ए डैश निकालना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है ए डैश निकालना। ये समझ में आया कब अप्लाई करना है? एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालने के लिए वाला एक्सेलरेशन वेक्टर के तरीके से ऐड कर दिया जाएगा। ये एक्सेलरेशन तो आ ही गया था मेरा g plus a sin theta, उसमें a की वैल्यू को ऐड कर दिया, a क्या था, a था, तो a के दो कंपोनेंट लिए, दैट इज a cos theta a sin theta, a sin theta a sin theta कट गया, g sin theta बचा, g sin theta इधर ऊपर की तरफ बचा a cos theta, इन दोनों का रिजल्टेंट मिल जाएगा हमें, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जब पूछेगा। तो ये एक वेक्टर को ऐड करने वाली कहानी होगी, लास्ट में एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाएगा, मेन काम यही है। आप छोटो दिखाइए, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालिए, कुछ नहीं करना है इसमें, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एंड इधर mg डाउनवर्ड, ठीक है, लक्ष्य नॉर्मल इस तरफ, mg डाउनवर्ड। अब कहां से देखने में फायदा है? एलिवेटर से देखने में फायदा है। एलिवेटर से देखने का क्या खामी है? जब भुगतना पड़ेगा एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, किधर लगाना पड़ेगा? तुम्हारा मास, मेरा एक्सेलरेशन, मेरे अपोजिट, तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन ध्यान रखनी। तो एम जी, एम ए और एन, एम ए को रिजोल्व कर लिया, हम लोगों ने ये रिजोल्यूशन करना सीखा हुआ है ना, एम जी प्लस ए साइन थीटा, एम जी प्लस ए कॉस थीटा एन, तो दिस फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और दिस दिस मेरे रिस्पेक्ट में अगर देखूंगा तो मेरे रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा होगा, तो नीचे की तरफ का नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसके परपेंडिकुलर चल ही नहीं रहा होगा, तो नीचे की तरफ का नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन और एन बराबर एम जी प्लस ए कॉस, तो नेट फोर्स हो गया इतना और एक्सेलरेशन हो गया ए डैश, तो ए डैश की वैल्यू निकल गई और एन की वैल्यू निकल गई, एन आगे चल के फ्रिक्शन में यूज होगा इसलिए एन निकालते रहना चाहिए, ए डैश आ गया, जी प्लस ए साइन थीटा, ए डैश मिल गया, तो रिजल्टेंट निकालना है तो उसमें ए और है वेक्टर के तरीके से, ये ए डैश आ गया, ये वेक्टर ए, दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, इसलिए उसको अभी डिटेल में डिस्कस नहीं किया, पहला काम है ए डैश निकाल लेना, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल आप लोग क्या करिएगा, इसको पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, सूडो फोर्स को अच्छे से बुक से ढंग से पढ़ डालिए, अभी समझने में दिक्कत आएगी लेकिन एक दो दिन के अंदर हम जो इसके ऊपर खूब सारी प्रॉब्लम कर लेंगे, धीरे 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 ये कंफर्टेबल हो जाएगा। तो कल मैं इसके ऊपर खूब सारी प्रॉब्लम्स कराने वाला हूँ डिस्कस, ठीक है। तो उसके पहले मैं चाहता हूँ सभी लोग आज जितना नोट्स में है और वो सब कुछ अच्छे से डिटेल से पढ़ लीजिए, ठीक है। और कल सूडो फोर्स थोड़ा अच्छे से काम करेंगे, सूडो फोर्स इस चैप्टर का सबसे अच्छा आर्टिकल है जो समझ में नहीं आता है, लोगों को कंफ्यूज करता रहता है, तो इसको दिमाग में सेट बिठा लो, सपने केवल ध्यान रखिए क्या कब लगाना है, कितना लगाना है और क्या निकलेगा। कब लगाना है? जब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक स्लाइड कर रहा हो या मोशन क्लियर ना हो रही हो ग्राउंड से, तो किसी दूसरी जगह से देखने में मोशन क्लियर हो रही हो तो कब, कितना लगाना है, मास ऑफ द बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर इन अपोजिट टू द ऑब्जर्वर, इतना लगाना है। क्या निकलेगा? रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन निकलेगा, रिलेटिव निकल जाएगा तो एब्सोल्यूट भी निकल जाएगा। देखो ये चीज जरूर क्लियर रखे रहो, क्योंकि धीरे धीरे इसके ऊपर चीजें ऐड होती चली जाएंगी तो प्रॉब्लम टिपिकल हो जाएगी, तो ये बेसिक लाइन हमेशा दिमाग में क्लियर रखो, कब, कितना और क्या निकलेगा, ठीक। तो डिस्कस करते हैं बाकी कल, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर।
आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल होता है जो एक एक टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आर्टिकल कहते हैं. सूडो फोर्स, कंस्ट्रेंट मोशन, सेकंड लॉ ऑफ दिस. ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू.